Assalamualaikum everyone. I hope you all are very well. So welcome back to Study Studio by Lare Barzu. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. हम आज अर्थ के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि बेसिकली अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह होता है. सो सबसे पहले अर्थ के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स आती हैं और ये लेयर्स जो हैं एक दूसरे से टेम्परेचर में, डिस्टेंस वगैरह में डिफरेंट होती हैं. तो हम बात करते हैं, फॉर सपोज ये हमारी अर्थ है. अब अर्थ को देखें, इसके सराउंड में जो सबसे फर्स्ट वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. अब ये जो हमारा क्रस्ट है, अब ये जो है 40 to 70 किलोमीटर का होता है. अब यानी इसकी जो थिकनेस है वो 40 to 70 किलोमीटर होती है. अब ये जो मैंने यहाँ पे लेयर बनाई है, कहीं पे ये ज़्यादा थिक है, कहीं पे थिन है. अब इट मीन्स अर्थ क्रस्ट जो है उस कहीं पे हमारा ज़्यादा थिक होता है, कहीं पे ज़्यादा थिन होता है. अब फॉर सपोज हम कराची चले जाएं, वहाँ पे हमारा अर्थ क्रस्ट काफ़ी थिन होगा. क्यों? बिकॉज वहाँ पे समंदर है. तो जो समंदर के अंदर की हम बात करें, वहाँ क्योंकि ऊपर से तो सारा पानी है, तो अंदर की जो लेयर है वहाँ से लेके एंड तक जो इसका मतलब डिस्टेंस है वो है 40 to 70 किलोमीटर. अब कहीं पे फॉर सपोज समंदर की उस साइड हमारी 40 किलोमीटर है, ठीक है. और अगर पहाड़ी इलाकों में आप चले जाओ वहाँ पे हमारा 70 किलोमीटर होगा. कहीं मतलब कम पहाड़ होंगे तो वहाँ पे हमारा 35 किलोमीटर होगा. यानी ये डिफरेंट होती है. अब वो कहीं पहाड़ी इलाके हैं या आपका ज़्यादा लाइक ऊपर की साइड है या ज़्यादा नीचे की साइड है, तो वो उन पे डिपेंड करता है अर्थ का क्रस्ट. तो इसीलिए 40 to 70 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है. अब जो अर्थ क्रस्ट है ये हमारा फिक्स्ड नहीं है. अब वो फिक्स्ड इसी तरह नहीं है, कहीं पे ये 30 किलोमीटर होगा, कहीं पे 10 किलोमीटर होगा, कहीं पे 20 होगा, लाइक 70 तक ये जाएगा. उसके बाद जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये वाली लेयर जो सबसे आउटर लेयर है अर्थ क्रस्ट, ये हमारा एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का बना होता है और ऑक्सीजन. अब इसे एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहा जाता है. सो ये एमसीक्यूज आ सकता है, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है? सो वो एल्यूमिनियम सिलिकेट की बनी होती है. और इसका क्रस्ट का जो 40 to 70 किलोमीटर डिस्टेंस होता है ये भी एमसीक्यूज आ सकता है. और उसके अलावा सेकंड जो हमारे पास लेयर आ जाती है, अब ये हमारा था फर्स्ट, अब इसी के अंदर की बात हो रही है. सेकंड लेयर इसी के अंदर आती है, ठीक है, ऊपर की नहीं. जो आउटर मोस्ट लेयर है वो तो हमारी हो गई क्रस्ट. उसके अंदर एक तो हम ज़मीन के ऊपर है ना, ये हम समझे क्रस्ट के ऊपर है. अब क्रस्ट के अंदर एक और लेयर आती है, जहाँ पे क्रस्ट ख़त्म होता है वहाँ से हमारी ये स्टार्ट होती है, उसे कहा जाता है मेंटल. अब जो मेंटल लेयर है ये यहाँ से लेके हमारी क्रस्ट तक होती है, ठीक है. अब इसके बीच में लाइक मेंटल लेयर है, यहाँ मेंटल है या क्रस्ट है. अब बीच में से जो सेपरेट करता है ना मेंटल और क्रस्ट को, वो होता है हमारा मोहो. उस लेयर का नाम है मोहो. और वो लेयर मेंटल और क्रस्ट दोनों लेयर्स को सेपरेट कर रही होती है. वो बहुत थिन सी होती है, बहुत पतली सी होती है. अब पहली हमारी आ गई क्रस्ट, जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट के. सेकंड हमारी आ गई मेंटल, और मेंटल हमारी बनी होती है मैग्नीशियम सिलिकेट की. यानी इसमें मैग्नीशियम भी होता है और सिलिकॉन भी होता है. और जो हमारी मेंटल लेयर है वो हमारी होती है 2900 किलोमीटर, ठीक है. अब हमारी मेंटल लेयर जाती है 2900 किलोमीटर तक. अब इस यानी ये हमारी क्रस्ट लेयर से ज़्यादा क्या है? थिक है. इसके बाद हमारा आता है कोर. अब फोर सपोज ये आप देखें एक सर्किल से, जैसे केक होता है उसका हम एक पीस ले लेते हैं, ठीक है. उसी तरह ये अर्थ है, हमने इसका ये एक पीस ले लिया है. अब हम इसे स्टडी कर रहे हैं. तो इसके ऊपर आउटर लेयर हमारी क्या आ गई? क्रस्ट आ गई. वो हमारी क्या है? 40 to 70 किलोमीटर, ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है मेंटल. मेंटल जो हमारी लेयर है वो 2900 किलोमीटर है. उसके बाद हमारा जो बाकी सारी आ जाती है हमारी, वो होती है उसे कहा जाता है लेयर को कोर. कोर होती है हमारी 3400 किलोमीटर, ठीक है. अब ये थे इनके डिस्टेंस. अब कोर जो है वो सबसे ज़्यादा इसका डिस्टेंस आ रहा है, और जो वो सबसे ज़्यादा थिक है. लेकिन अब कोर में भी हमारे पास दो साइड्स होती हैं इसकी, ठीक है. एक होती है आउटर, दूसरी होती है इनर.
होता दोनों कोर है। अब जो आउटर है, आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है और जो इनर कोर है वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। आउटर कोर जो है वो 2200 उसका है किलोमीटर डिस्टेंस, यानी वो इतना थिक है, और जो इनर कोर है वो हमारा 1200 किलोमीटर है। अब जो हमारा कोर है वो हमें कहा जाता है कि ये जो हमारा लिक्विड वाला कोर है उसकी बात हो रही है, यानी आउटर कोर वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिकॉज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ कोर है, कोर का जो लिक्विड स्टेट है आउटर कोर उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा कोर, आउटर कोर। अब उसके बाद आउटर कोर हो या इनर कोर, ये दोनों बने होते हैं निकल एंड आयरन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक हमारा हो गया क्रस्ट जो कि 40-70 किलोमीटर, देन हमारा आ गया मेंटल 2900 किलोमीटर, फिर हमारा आता है कोर 3400 किलोमीटर। अब 3400 किलोमीटर टोटल की बात हो रही है, इसमें से 2200 किलोमीटर आउटर कोर है और 1200 किलोमीटर इनर कोर है। सो अब हम अगर कंप्लीट को देखते हैं तो यहाँ पे हमने 70 ले लिया, बिकॉज 40 तो कहीं कहीं है, कहीं 30, तो हमने 70 ले लिया क्रस्ट का, मेंटल का 2900, आउटर कोर 3200, इनर कोर 1200। अब इसका हमने प्लस किया तो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ आया 66,370, ठीक है। अब ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। अब हम देखें रेडियस होता क्या है। फॉर सपोज ये अर्थ है, अब यहाँ से लेके, ठीक है, मेन पॉइंट से लेके एंड तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस तरह एक केक लेते हैं ना, ये पीस लो, इसका सारा ये जो होता है हमारा रेडियस जाता है, ठीक है। अब ये हो गया, इसके पूरा जो डिस्टेंस है ना वो हमारा रेडियस होता है। सो अर्थ का हम इन सबको प्लस किया हमने तो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ आया 6370। अब हम बात करते हैं डायामीटर की, 2R इज इक्वल टू डायामीटर। अब 2R क्या है? यानी रेडियस जो है 2 times। अब देखें यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस है, रेडियस, और जाहिर सी बात है जब हमने यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस, स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक भी है, तो इन दोनों को, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों रेडियस को मिला के कहा जाता है डायामीटर। सो दोनों हमने अर्थ का पहले रेडियस लिखे, अब उसे हमने प्लस किया, देन हमें अर्थ का डायामीटर मिल गया। एक MCQs इस तरह का आ गया था, 6370 रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आप लोगों ने याद करना है, देन डायामीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और उसके अलावा एक रिव्यू कर लेते हैं, अर्थ के बेसिकली 3 layers हैं। अर्थ के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। जो क्रस्ट होती है वो 40-70 किलोमीटर थिक है, उसके बाद जो क्रस्ट है वो फिक्स्ड नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा थिक है कहीं पे थिन है, और ये एल्यूमिनियम सिलिकेट की बनी होती है। देन हमारी आती है मेंटल, मेंटल जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट की बनी होती है, और ये 2900 किलोमीटर थिक है। उसके बाद आता है हमारा कोर, कोर में भी 2 types आ जाती हैं, यानी कोर भी है, एक हमारी आउटर कोर होती है, दूसरी इनर कोर। आउटर कोर हमारी लिक्विड स्टेट में होती है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, ये 2200 किलोमीटर थिक है। उसके बाद इनर कोर आती है जो कि 1200 किलोमीटर थिक है, और ये जो है हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। और जो हमारी कोर है, अगर इसका टोटल थिकनेस देखी जाए तो वो 3400 किलोमीटर है, और हमारा कोर जो है वो निकल और आयरन का बना होता है, और मोहो लेयर है जो कि मेंटल और क्रस्ट को सेपरेट करती है। उसके अलावा रेडियस ऑफ अर्थ है 6370 और डायामीटर ऑफ अर्थ है 12,740।